प्राकृतिक एवं गौ तरीका से खेती करने के लिए किसानों को राज्यसभा सांसद के द्वारा बताया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभियान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज में। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। 26 अप्रैल 2022 को नरकटियागंज अनुमंडल के नरकटिया फार्म पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार द्वारा संचालित जलवायु अनुकूल कृषि योजना के अंतर्गत शैक्षणिक परिभ्रमण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को खेती करने की प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती करने का गुण एवं महिलाओं को खेती करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं, खेतों में भी महिलाएं बहुत आगे हैं, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक एवं गौ तरीके से खेती करने का महिलाओं को भी गुण बताए। न्यूज 9 टाइम्स। आज किसान उत्सव मेला लगा हुआ है नरगटिया फॉर्म पे, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? मैं तो चाहूँगा कि किसान यहाँ के चंपारण के जो किसान टेक्निकल खेती पे जरूर निश्चित रूप से प्रयास करें और उसी के माध्यम से किसान आगे बढ़ सकता है। मोदी सरकार, बिहार सरकार कैसे कृषक मजबूत हो इसका प्रयास कर रहा है और निरंतर प्रयास चल रहा है, उसी का नतीजा है कि एक अनुमंडल में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना और वैज्ञानिकों का टीम यहाँ भेज इसका एक प्रमाण है। और टेक्निकल खेती की तरफ हम सब लोग बढ़ने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और किसान का बेटा भी अच्छा स्कूल में पढ़े इसका भी प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।